हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कुमार वसुदेव, जैसन हम आपके बतैले रही, हम महर्षि शांडिल्य के सनेसा भेज देले रही। ओकरा अनुसार वहां एगो यज्ञ अनुष्ठान करके हमके ओमे सम्मिलित होके खातिर न्योता भेज देले हैं। एह तरह हमार गोकुल जाए से कंस के कौनो तरह के संदेह ना हुई और हम आपके इच्छा अनुसार शास्त्र मर्यादा के अनुरूप ही आपके बालक के नामकरण संस्कार संपन्न कर देव। गुरुदेव, ई सब आपके परम अनुकंपा ही है। गुरुदेव, हमार बेटा के हमरा ओरी से भी दीर्घायु होके के आशीर्वाद जरूर दिहब। देवी, मनुष्य खातिर दीर्घायु होकर ही पर्याप्त नहीं खे, ओकरा ता ऐसन आशीर्वाद द कि ओकर जन्म जौन उद्देश्य से भइल ह ओहमे उ सफल होखे। आपकी कहना उचित है गुरुदेव। बाकी माई के हृदय में तो बेटा के आयु के कामना ही सबसे पहले होखेला और फिर ओह माई के हृदय जेकर छो छो गो बेटा जन के संगे ही काल के मुंह में समा गईल होखे ओकरा खातिर तब बेटा के जीवन के एक एक दिन के मोल खाली एगो माई के हृदय ही जान सकेला। आप एकरा स्त्री के हृदय के दुर्बलता भी कह सकत हैं। बाकी यह दुर्बलता के पीछे जे संतान के मोह की विवशता बा खाली एगो स्त्री ही जान सकेली। पुरुष यह भावना की गहराई के ना समझ सकेलन। ओकरा दुर्बलता ही कही है।
बाकी ई मोह के पीड़ा ही स्त्री के जीवन बा। ना देवी, हम एकरा स्त्री के दुर्बलता ना समझी ले। ई जे एगो माई के हृदय में हर पल अपन संतान खातिर एगो मंगल कामना आवत रहेला, उ त निर्मल प्रेम के एगो ऐसन दिव्य रूप ह जे पूरा तरह से निश्चल ह, जे स्वार्थ से रहित ह, जे एगो झरना के लेखा निरंतर बहत रहेला। सच्चा प्रेम के ऐसन दिव्य झरना सगरी सृष्टि में माई के हृदय के छोड़ के और ही कहीं ना मिलेला, और यही से माई के आशीर्वाद प्राणी खाते सबसे बड़ा कवच होखेला। माई के निश्चल प्रेम ही प्राणी के सबसे बड़ शक्ति है। ऐसे जे अभागा आपन माई के तिरस्कार करेला, वह संसार में कब्बो विजयी ना हो सकेला। ऐसे हे देवी, हमार बात के अन्यथा मत समझी, हम तुहारी आशीर्वाद तुहरे संतान तक अवश्य पहुंचा देब। माई के और का आदेश है। गुरुदेव, आपन लल्ला खातिर हम आपन हाथ से एगो रेशम के छबला बनैले हैं। यदि रोहिणी दीदी के आज्ञा हुई तो संस्कार में एकरा पहिरा दिहब। अति उत्तम, लावा। हमके कुछ भान नहीं खे क्यों कितना बड़ हो गई होई। आप दिव्य दृष्टि वाला हैं, आपे बताएं ई ठीक होई कि ई। माई ता आत्मा के आंख से ही अपन बालक के देख लेवेली। माई से अधिक साधु के दृष्टि ना हो सकेला। ई तू अच्छा कहलू जे दोनों बना देलू, दोनों हमके देदा। हम पहिरा देव। धन्यवाद आपके लीला प्रभु। माई की आत्मा में भी ऐसन दिव्य ज्ञान भर देवेली कि अनजाने में भी ओकरा हाथ से सगरे काम ठीक ही होखेला। हमार गुप्चर सूचना दिले बा कि आज भोरे महामुनि गर्गाचार्य यमुना नदी पार करके गोकुल गए बाड़न। गोकुल में कहुआ केकरा पास? महर्षि शांडिल्य के आश्रम में। कौन काम से? समाचार बाकी बहुत दिन से शांडिल्य आश्रम में एगो यज्ञ होत रहे, आज ओकर पूर्णाहुति गर्गाचार्य द्वारा ही संपन्न हुई। ई तो साधारण बात बा महाराज। वैसे तो ये आश्रम सब में एह तरह के यज्ञ के होखल साधारण बात है, बाकी बाकी का वहां गर्गाचार्य के गैल विचार करे योग्य बात है। मतलब ही कि गर्गाचार्य वसुदेव के कुल गुरु बाड़न, और पिछला कुछ दिन से वसुदेव उनका आश्रम में जात देखत गैलन है। फिर ऐसे सेवक के मन में एगो विचार आ रहा है कि महाराज के मन में जे ये संदेह बा कि वसुदेव की आठवा लैका छल से गोकुल पहुंचा दिहल गई बा, तो गर्गाचार्य के वहां गैल कहीं यही संबंध में तो नहीं खे। और यदि वो लैका नंद राय के बा तो ओकर सगरे संस्कार वो ग्वाला के कुल गुरु शांडिल्य ही करी है। हाँ। बाकी यदि वो लैका वसुदेव के बा तो वसुदेव के जरूर इच्छा हुई कि उनकर बेटा के मुख्य मुख्य संस्कार उनका रापन कुल गुरु गर्गाचार्य के द्वारा ही होखे। जरूर यह बात है।
महामंत्री तू ठीक समझला। आपन गुप्तचरण के वहां भेजा जे गोकुल में जाके गर्ग मुनि के गतिविधि पर पूरा ध्यान रखस। जी महाराज। हाँ, हम अभी तक जे भी करत रहली खाली एगो अनुमान पर ही करत रहली, काहे कि अभी तक पूरा विश्वास से तई कहल ना जा सकेला कि उहे बालक हा। हमके उम्मीद बा कि ए बारे संदेह भी मिट जाए। हम आपन दूगो विश्वासी गुप्तचरण के शांडिल्य मुनि के आश्रम में भेज दिले हैं। उस साधु वेश धारण करके वहां सबके बीच में ऐसे घूमत रही हैं कि केहू के पता भी ना चली। उत्तम, अति उत्तम। प्रभु, देवी रोहिणी और नंद राय दोनों लड़का के लेके आ गेल बारन, आपके प्रतीक्षा करतारन। चली प्रभु। का सोच रहा है भगवान? हम कितना युगन से यदुवंश के कितना पीढ़ी के पुरोहिताई खाली ओ क्षण के प्रतीक्षा में करत आ रहा है। जे क्षण हमके ओ पूर्ण परमात्मा के बाल रूप में साक्षात दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुई। आज कितना युगन के बाद वो क्षण तो आ गई ला। बाकी विधि के विडंबना तो देखी कि वो विराट स्वरूप के पहला संस्कार जे हमार हाथ से हो रहा है ओकरा हम कितना संकुचित अवस्था में करे खातिर बेबस हैं। हमरे मन में युगन से क्षण के कल्पना ऐसन रहे कि नामकरण संस्कार के अवसर पर जब हम ओह अविनाशी नाम के घोषणा करब तो तीनों लोक और नाम के प्रति ध्वनि से गुंजायमान हो उठी। और देखें कि आज लौकिक कर्तव्य और सांसारिक परिस्थिति के कारण हम कौनो गुप्त स्थान पर गुप्त रीति से आपन प्रभु के नामकरण है तरह से करे जा रहा है, जैसे केहू चोरी करे जाला। अच्छा, यह तुहार इच्छा है तो यह सही। महामुनि कहाँ चले के बा? भगवान, गौशाला में एकांत है, नंद राय जी उहें प्रतीक्षा करतन। चली आई आई हम अनुग्रहित भैली। चली व्याकुल और एक के
मुखड़े पर मुस्कान। भगवान, कंस के आतंक के कारण देवी रोहिणी के मथुरा गए संकट कारक हो सकेला। यही से वो इतना दिन तक अपन बेटा के लेके आपके सेवा में ना पहुंच सकली। अब आपके श्री चरण गोकुल में पधरले हैं तो उनका आशा बा कि आप उनकर लड़का के नामकरण संस्कार कर देव। अवश्य, यदुवंश के कुल गुरु होखे के नाते ये हमार कर्तव्य है और अधिकार भी। आवत समय वसुदेव जी भी यह इच्छा प्रकट कर ले रहन, ऐसे हम अपन कर्तव्य अवश्य निभाएब। कुमार वसुदेव जी के भी यह भावना रहे कि कंस के ही पता न चले कि उनकर एगो संतान गोकुल में पल रहा था। ऐसे महर्षि शांडिल्य गोपनीय रीति से यह गुप्त स्थान पर एकर आयोजन कर दे रहे। महामुनि, हमार भी एगो प्रार्थना बा। कहीं आप जैसन दिव्य विभूति के गोकुल में पधारल हम सभी गोकुल वासियन खातिर जैसे एगो आशीर्वाद है, त ए आशीर्वाद के फल हमके मिले के ही चाहिए। ऐसे यदि आपके हाथ से हमार लल्ला के भी नामकरण संस्कार हो जाए तो हम कृतार्थ हो जाए। बाकी नंदराय जी, ये अधिकार तो आपके कुल गुरु महर्षि शांडिल्य के हा। ऐसे भगवान, नंदराय जी के प्रार्थना में हमारे याचना भी सम्मिलित है। हम ही गोकुलपति के ये सुझाव दे ले रही कि यदि ये शुभ काम आपके कर कमल से संपन्न हो जाए तो बहुत अच्छा और मंगलकारी हुई।
ऐसे हमार भी ये प्रार्थना है। आप बहुत उदार हैं महामुनि, हम रहती तो ऐसा अवसर कब्बो न छोड़ती। फिर भी हे ब्रजेंद्र, एगो बात के विचार जरूर कर ली कि सगरे विश्व जानेला कि हम यदुकुल आचार्य हैं। ऐसे यदि हम तोहार लड़का के संस्कार करब ते ही सूचना मिलते कंस के धारणा हो सकेला कि शायद यह वसुदेव जी के आठवां बेटा होके, तो बहुत बड़ संकट भी पैदा हो सकेला। बाकी ओकरा पता ही कैसे चली? वैसे भी हम रोहिणी के बेटा के कारण सगरे काम बहुत गुप्त रीति से कर रहा हैं। और फिर ए निर्जन गोशाला में हमार सगा संबंधी गोपजन केहू भी तो नहीं खे। हमरा सिवा ए रहस्य के दूसरा और केहू ना जान पाई। ऐसे आप कृपा करके खाली स्वस्ति वाचन करके ही इ दोनों लड़का के नामकरण संस्कार कर दी तो बहुत कृपा हुई। का आप यह रहस्य के गोपनीय रखे के वचन दे सकत है? जरूर। अच्छा बात है। हे ब्रजेश्वर, पहले हम रोहिणी नंदन के नामकरण करब। तुला लग्न और स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेवे वाला ये दिव्य लड़का इतना शक्तिशाली बा कि सगरी धरती के बोझ अपन शीश पर उठा सकेला। इनकर अनंत गुण है, जैसे इस सब मित्रन और सगा संबंधी लोगन के बहुत आनंद दी है। ऐसे इनकर नाम हुई राम। इनकर बल के कौनों सीमा ना हुई, ऐसे लोग इनका बलराम भी कही है। बलराम, संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में पधारल हैं। ऐसे इनकर एगो नाम संकर्षण भी हुई। Hare Krishna, Krishna Krishna,
कृष्णा।